नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और खास तौर से मायावती की। मैंने ये देखिए नीले रंग की कमीज पहनी हुई है, मायावती का चुनाव चिन्ह भी जो हाथी है लेकिन रंग उनका जो है वो भी नीला ही है। मायावती की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती एक तरह से शैल में चली गई थी और कोई बयान नहीं आ रहा था, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही थी और अचानक मायावती की पार्टी चर्चा में आती है। मायावती लालजी वर्मा जो बड़े कुर्मी वोटर नेता रहे, जो कांशीराम के समय के नेता थे, उनको पार्टी से निकाल देती है। इसके साथ ही साथ भीम राजभर जो कि राजभरों के एक तरह से नुमाइंदे हैं, जिनका पश्चिम ईस्ट यूपी में करीब 20-25 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। कुर्मी जो वोटर हैं 9% के आसपास हैं, 10% के आसपास माने जाते हैं। ओबीसी वर्ग में यादव के बाद कुर्मी ही सबसे ज़्यादा हैं, यादवों की संख्या 15% है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जब एक एक वोट की मारामारी हो रही है, जब मायावती के पास करीब 19-20% वोट उनका दलित है और उसमें भी सारा दलित उनको वोट नहीं देता, उसमें से भी जो आधा करीब 10-11% जाटव है वही उनके साथ है, तो एक एक वोट की मारामारी के समय में अपने पुराने इतने सहायकों को पार्टी से वो क्यों निकाल देती हैं? क्या कुछ नया सोच रही हैं मायावती? इस पर हम बात करेंगे। और नया क्या सोच रही हैं, नया क्या वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की सोच रही हैं या बीजेपी मायावती के साथ हाथ मिलाने की सोच रही हैं? आखिर इस अगर ऐसा होता है तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, जिसमें से 3 बार वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री रही, 1995, 1997, 2001 और फिर 2007 में वो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 2 बार वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन चुकी हैं उनके सहयोग से। तो क्या किसी तरह का कोई गठबंधन मायावती और बीजेपी के पास हो सकता है? आखिर दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। बीएसपी की अपनी मजबूरी है मायावती की कि वो लगातार उनका जो ग्राफ है पॉलिटिकल वो श्रिंक कर रहा है। 2017 के अंदर का विधानसभा चुनाव में वो 19 विधानसभा सीटें जीती थी, उसमें से भी 9 लोग तो सस्पेंड कर दिए गए थे विधायक, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में इधर उधर वोट दिया था, 2 लोग अभी निकाले गए, 1 सांसद बन गया, तो सिर्फ 7 विधायक उनके साथ रह गए हैं। आगे मायावती अपने दम पर सत्ता में आ जाएगी इसके दूर दूर तक कोई अभी तक संभावना दिखाई नहीं दे रही। एक इंटरनल सर्वे बता रहा है कि ऐसी खबरें हैं, पतंगबाजी हो चाहे चंडू खाने की खबरें हो जो भी चल रही हैं, कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे बता रहा है कि बीजेपी की 100 से कम सीटें आ सकती हैं अगर आज चुनाव हुआ, और समाजवादी पार्टी की 200 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं अगर आज चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी अजीत सिंह जो अब गुजर गए, जिनके बेटे जयंत चौधरी हैं, उनके साथ मिलकर अभी उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन पड़ सकता है। पिछली बार ये तरह 2 लड़के भी हो सकता है साथ आ जाएं, राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की संभावना है। तो बीजेपी को भी लगता है कि मायावती के रूप में बड़ा साथी मिल जाएगा और मायावती को लगता है कि अब राजनीति में अपने दम पर जब सत्ता में नहीं आया जा सकता तो एक सम्मानजनक तरीके से रिटायर होने का क्या मायावती के लिए वक्त आ गया है कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, उनके भतीजे भांजे को उप मुख्यमंत्री यूपी का बना दिया जाए, तो इस पर आप सहमत हो सकती हैं? इस पर अंदर खाने चर्चा चल रही है, सूत्र अपने अपने हिसाब से जानकारी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, हर जगह बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो हर जगह कुछ ना कुछ वोट लाने होंगे और हर जगह का समीकरण थोड़ा अलग है। बीजेपी इस बारे में बहुत गहराई से संघ के नेताओं के साथ, संगठन के नेताओं के साथ लखनऊ में वार्ता कर चुकी है। अब वही संघ और संगठन के नेता दिल्ली में हैं, दिल्ली में वार्ताओं का दौर हुआ चला है। तो ये एक राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी भी बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और राजनीति में कोई स्थायी रूप से दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी रूप से दोस्त नहीं होता। मायावती के ऊपर CBI, इनकम टैक्स, ED, इनकी तलवारें लटकती रहती हैं। और खबर तो ये है कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव था तो उसमें कांग्रेस, BSP और सपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब ऐसा कहा जाता है कि मायावती पर दबाव डाला गया कि वो कांग्रेस को साथ नहीं रखे और इसके लिए अड़ जाए, और ऐसा ही हुआ और BSP और समाजवादी पार्टी
कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। बीजेपी इस गणित को समझती थी कि अगर ये तीनों साथ आए तो फिर मुकाबला कड़ा हो सकता है, और ऐसे में जब दो ही पार्टियां साथ आई तो बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट लेकर आराम से चुनाव निकाल ले गई। अब बड़ा सवाल उठता है कि दोराहे पर मायावती आकर खड़ी हो गई हैं। ऐसा लगता है कि एक रास्ता नए सिरे से पार्टी को गठित करने का जाता है और दूसरा रास्ता क्या बीजेपी के साथ एक किसी तरह के चुनावी समझौते की तरफ और फिर उपराष्ट्रपति की तरफ, दिल्ली की तरफ जाता है। ये बड़ी बात है, इस पर आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, गैर जाटव दलितों के आधार पर और गैर यादव ओबीसी के आधार पर चुनाव जीतती रही है। लेकिन पार्टी के अंदर भी अब सवाल उठते रहे हैं कि जो गैर जाटव दलित है और जो गैर यादव ओबीसी है, उसके लिए पार्टी ने आखिर क्या किया, ये लोग आखिर क्यों वोट देंगे। ये लोग पिछले दो लोकसभा चुनाव में इसी आधार पर बीजेपी को वोट दे चुके हैं कि इनका कुछ भला होगा। पिछले चुनाव विधानसभा में भी वोट दे चुके हैं कि कुछ भला होगा, लेकिन उनके हिस्से कुछ आया नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद या हिंदुत्व है, इसका तड़का हर बार लगेगा नहीं लगेगा, इसको लेकर भी किसी तरह का संशय है। जहाँ तक हिंदुओं की बात है या अपर कास्ट की बात है, उसमें आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर राजपूत होने का आरोप लगता रहा है और ब्राह्मण बड़े नाराज हैं। तो अपर कास्ट में भी आपस में जब फ्रैक्शन है और नीचे के लेवल पर, नीचे के लेवल से मतलब अन्य दलित हुए, ओबीसी हुए, उस लेवल पर भी फ्रैक्शन है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए 35-38% वोट कैसे निकाल पाएगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और जब थ्री कॉर्नर चुनाव होता है तो इसमें कोई भी पार्टी जिसे जीतने के लिए 35% से ज़्यादा वोट हासिल करना ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। ऐसे में अगर मायावती का 19-20% या उसमें से भी सिर्फ जाटव वोट माना जाए 10-11% मिल जाता है तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है। तो क्या ये भी एक संभावना है, इस पर हम बात करेंगे आगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।